हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। टेक्निकल करों में मैं आनंद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्लायर्स। प्लायर्स क्या होता है और उसके कौन कौन से भाग होते हैं, किस धातु का बना होता है, उसका साइज कैसे लेते हैं, छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए प्लायर्स के ऊपर आज के टॉपिक में। तो सबसे पहले चलो हम जानते हैं कि प्लायर्स क्या होता है। प्लायर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लास। प्लास बोलते हैं इसको। आपने देखा होगा, आप सब बोलते भी होंगे इसको प्लास। इंग्लिश में इसको प्लायर्स बोला जाता है। तो ये प्लास क्या होता है? प्लास का मैं आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिचय। क्या बोलते हैं? परिचय, यानी प्लास का परिचय। प्लास का परिचय में क्या होता है? प्लास जो होता है वो किसी वर्कशॉप में प्राय हैंड टूल के रूप में यूज किए जाने वाला सबसे ज्यादा टूल होता है। इसका प्रयोग किसी भी वायर को पकड़ने, उसको मोड़ने तथा उसको काटने के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसका प्रयोग ज्यादातर इलेक्ट्रिशियन के माध्यम से किया जाता है। आपने देखा होगा कि प्लास तो सभी ने देखा, परंतु इसके इंट्रोडक्शन में छोटा सा दे रहा हूं, जिसमें प्लास किस धातु का बना होता है। सबसे पहले हमें पूछते हैं कि प्लास किस धातु का बना होता है। तो प्लास हमेशा कास्ट स्टील का बना होता है। किस स्टील का? कास्ट स्टील का। प्लास को हमेशा कास्ट स्टील का बनाया जाता है। उसके बाद आता है कि प्लास को कास्ट स्टील का बना देते हैं, परंतु इसके जो जा होते हैं वो क्या काम आते हैं? तो इसके जा को क्या करते हैं? हार्ड और टेम्पर कर लेते हैं, ताकि ये जब यूज करते हैं तो इसके जो जा होते हैं, इसके अलग अलग एजेस होते हैं, वो खराब ना हो, इसलिए इसको हार्ड और टेम्पर कर लेते हैं और इसको हमेशा कास्ट स्टील का ही बनाया जाता है। इसके बाद आता है प्लायर्स के भाग कौन कौन से होते हैं। तो प्लायर्स के जो भाग होते हैं वो देखो आप, इसमें जो बीच में दो जॉइंट्स को जो आपस में जोड़ा जाता है वो उसका कहलाता है रिवेट्स। क्या कहलाता है? रिवेट। इसके जो आगे के दो काटने वाले, जो अलग अलग ऑपरेशन करने वाले भाग होते हैं, उसको कहते हैं जा। और इसके साथ में जो साइड में आपने देखा होगा, ये काटने का एक छोटा सा और किनारा होता है, उसको हम बोलते हैं साइड कटिंग एज। इसके बाद आता है इसका लेग, लेग और इसको हम क्या बोलते हैं? हैंडल भी बोलते हैं। और इसके ऊपर क्या हुआ चढ़ा रहता है? इंसुलेशन का खोल चढ़ा रहता है। क्योंकि इंसुलेशन का खोल इसलिए चढ़ाया जाता है कि जब भी हम इलेक्ट्रिशियन का कार्य करते हैं, तो हम जब इससे तार को छीलते हैं ऑन इलेक्ट्रिसिटी पे, तब हमें शॉक ना लगे, यानी करंट ना लगे, इसलिए इसके ऊपर खोल का एक इंसुलेशन का एक आवरण चढ़ा देते हैं, जो शॉकिंग से बचाता है और इसको अपन की रक्षा भी करता है, साथ इसको कोरोजन से भी बचाता है। ठीक है। इसके बाद आता है कि प्लायर का साइज कहां से लेते हैं। तो प्लायर का साइज हमेशा उसकी कुल लंबाई से ही लिया जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि प्लायर का साइज कहां से लेते हैं। तो प्लायर का साइज हमेशा इसके हैंडल के स्कोर के अंतिम किनारे से लेकर जो इसके जाग के सामने के जो फेस होते हैं, उसकी टोटल लंबाई से ही प्लायर का साइज लिया जाता है। तो ठीक है, इसमें दो तीन क्वेश्चन बने कि प्लास का यूज कहां होता है। तो प्लास का यूज ज्यादा इलेक्ट्रिशियन वर्कशॉप में होता है, इसको तार काटने मोड़ने आदि कार्यों में किया जाता है। इसकी धातु क्या होता है? तो इसकी धातु कास्ट स्टील की बनी होती है और इसको हार्ड टेम्पर कर देते हैं। और इसका साइज जरूर पूछते हैं कि इसका साइज कौन सा। प्लास का साइज हमेशा उसकी कुल लंबाई से लिया जाता है। ठीक है, और बाकी आपके सामने पार्ट्स है। तो आज के लिए ही इस प्लायर्स में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा हमारे जो सब्सक्राइब के आगे जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। और हम अब आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे इसके टाइप्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।